करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जावत और सिलपत करत निशान। रस्सी भी पत्थर पे बार 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 घिसे तो पत्थर पे सारा निशान छोड़ देती है। तुम तो रस्सी से ज्यादा बेहतर हो गए यार, लेकिन घिसो तो सही, 100 बार घिसो अपने आप को उस पत्थर के ऊपर, निशान कैसे नहीं छूटेगा मेरे दोस्त। एनबीए की सबसे बड़ी बास्केटबॉल टीम का कोच ने अपने दीवार के ऊपर एक बहुत शानदार स्टोरी टांग रखी है। कोच ने दीवार पे एक स्टोरी टांग रखी है। जब भी डिमोटिवेट होता हूं, कहता है अंदर जाता हूं, स्टोरी पढ़ लेता हूं, और वो स्टोरी मुझे बताती है प्रोसेस कि जब मूर्तिकार पत्थर पे चोट मारता है पत्थर तोड़ने के लिए, तो पहली चोट से पत्थर ना टूटता है ना टूटते दिखता है। जब वो दोबारा चोट मारता है उसी पत्थर पे, तो दूसरी चोट से भी ना पत्थर टूटता है ना टूटते दिखता है, लेकिन वो परेशान नहीं होता, वो फिर हैमर करता है उसी जगह पे, चौथी बार फिर वही मारता है, पांचवी बार मारता है, मारता रहता है मारता रहता है मारता, ऊपर से कुछ दिख नहीं रहा कि अंदर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन हर चोट उस पत्थर को अंदरूनी तौर पे कमजोर कर रही है। एक दिन तुमने हथौड़ा उठाया, हवा ही चली और पत्थर के दो टुकड़े हो जाते हैं। वो कहता है मैं पढ़ता हूं और मुझे एक बात समझ में आती है, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, प्रयास करते रहो। रस्सी पत्थर पे घिसे तो पत्थर पे निशान छोड़ देती है। पानी की बूंद अगर एक जगह बार बार गिरे पत्थर में सुराख हो जाता है, लेकिन बार बार गिनना जरूरी है, परसिस्टेंस जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर गोल्स शुड बी इमोशनली ड्रिवन। जिंदगी में जो करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, जो तुम्हारे गोल्स हैं, भावुक होने चाहिए, गोल्स इमोशनल होने चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूं, अगर आपके कोई भविष्य, जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा बोला, माँ बाप के लिए कामयाब होना चाहते हैं, अगर तुम्हारे गोल्स इमोशनल नहीं है दोस्त, तुम किसी भी दिन इस बिजनेस को छोड़ के भाग सकते हो। तुम्हारे गोल्स अगर सेंटिमेंटल नहीं है, तुम कभी भी धंधा छोड़ के भाग सकते हो। कोई एक ऐसा गोल बनाओ आज जो तुमको इमोशनली इस बिजनेस से जोड़ के रखे। तुम्हारे जीवन में बहुत घटनाएं घटी होंगी, तुम्हारी जिंदगी में बहुत हादसे हुए होंगे। लोग कहते हैं पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मैं कहता हूं गरीब रहना आसान है क्या? मिडिल क्लास फैमिली के हम लोग हैं ना, टेंशन होती है घर में कि नहीं होती? घुट घुट के रोज मरना पड़ता है, पैसे को लेकर तकलीफ होती है यार। कोई एक ऐसी चीज जो तुम्हें दर्द करी हो, कभी सुई चुभी हो, बस उसको अपना गोल बनाना यार, इमोशनली जोड़ना अपने आप को इस बिजनेस से। गाइस, इमोशनल होने चाहिए गोल। जब मैं कॉलेज जाता था 96, 97, 98 की बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं बार बार बताता हूं, साला रिक्शे पे जाता था मैं, रिक्शा 5 रुपए लेता था उस दौर के अंदर, बहुत शर्म आती थी। हमारे दोस्त बाइक पे जाते थे, कुछ कार में जाते थे, कुछ कंटेस्टा चलती थी उस दौर के अंदर, उसमें जाते थे, हम साला रिक्शा पे, और कभी कभी अंगूठा, कोई रुकता ही नहीं था कभी कभी, तो बड़ी साला शर्मिंदगी महसूस होती थी उस 2-3 साल के दौर के अंदर। पैसा ही नहीं था, पापा कहां से देते? 3 लाख का तो कर्जा चल रहा था, तो वो कहां से देते? पढ़ा रहे थे, यही बहुत था, हमको कहां से लेके देते स्कूटर बाइक? उस 3 साल के प्रोसेस में एक इमोशनल गोल सेट हुआ भीतर ही भीतर कि बेटा सोनू शर्मा तू कैसे भी जा, तेरे बच्चे ऐसे स्कूल नहीं जाने चाहिए। तू कैसे भी जा, तेरे बच्चे बेटा ऐसे स्कूल नहीं जाने। वो 3 साल भीतर ही भीतर एक बीज अंकुरित होता रहा मेरे दोस्त, अंकुरित होता रहा, और वो गोल मैं जीवन भर भूला नहीं। मैंने उस गोल का पीछा किया, बहुत दिक्कतें आई, किसको नहीं आती, बहुत परेशानियां आई, किसको नहीं आती। मेरा भी मन किया छोड़ दो ये धंधा, कुछ और करो। वो ऑब्स्टिकल्स हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है, तो मैं कहां से अछूता हूं? मैं कोई मार्स से थोड़ी आया हूं, इसी दुनिया में था, मेरे को भी चैलेंजेस थे, मेरे को भी लोग छोड़ के जाते थे, मुझे भी ताना देते थे, मुझे भी गाली देते थे,
लेकिन वो गोल मुझे इस बिजनेस से जोड़े रखा। मुझे पता था कि अगर मैं ये बिजनेस छोड़ दूंगा तो मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो गोल कभी मेरा जिंदगी में अचीव हो सकता है। 2012 मुझे वो दिन याद है, आई रिमेंबर द डे, जब मैं अपनी बेटी को मर्सिडीज सी क्लास में एपीजे स्कूल में ड्रॉप करने गया फरीदाबाद के अंदर। सी क्लास मर्सिडीज थी मेरे पास मेरे दोस्त। मैंने डोर ओपन किया, मेरी आंख में आंसू। मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा, आज इमोशनल हो लड़की, पहले दिन स्कूल जा रही है। मैंने कहा, पहले दिन स्कूल जा रही है इसलिए इमोशनल कौन है पगली। 14 साल पहले का जो बीज है ना, उसने आज फल दिया है। जो पेड़ लगाया था उसने आज फल दिया है। मैं वो अपने मन में उस बीज को सींचता रहा, पानी देता रहा कि एक दिन ये पेड़ बनेगा और उसका फल मैं खाऊंगा। कोई गोल आपकी जिंदगी में ऐसा होना चाहिए जो इमोशनली आपको ड्राइव करे, लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन अगर आपके पास वो गोल नहीं है, कोई भी एक गर्म हवा, कोई भी 10 rejections, कोई भी नेगेटिविटी आपको इस धंधे से जुदा कर देगी। टेक माई वर्ड्स, आपका कोई ना कोई इमोशनल गोल होना चाहिए। कोई भी इमोशनल गोल, कि मां बाप को बिजनेस क्लास की फ्लाइट में यहां लेके जाऊंगा, इमोशनल गोल। मां बाप को एक दिन मर्सिडीज की पीछे वाली सीट पर बिठाऊंगा, इमोशनल गोल। मां बाप को एक दिन अपनी मेहनत से कमाए हुए मकान के अंदर ले जाऊंगा, इमोशनल गोल। अपनी वाइफ के लिए ऐसा करूंगा, अपने बच्चों के लिए एक ऐसा जिंदगी दूंगा। कोई भी ऐसा गोल जो इमोशनली आपको ड्राइव करे आगे बढ़ने के लिए। और मैं आपको फिर कहता हूं, इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मर्द को दर्द नहीं होता, ये फिल्मों में अच्छे लगते हैं, असल जिंदगी में मर्द को दर्द होता है। तुमको तो बहुत दर्द होता था, तो उस दर्द को हमने पाला पोसा और 12-14 साल परवरिश करी। नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म था, हमने मेहनत करी। और वो कहते हैं ना कि खुदा बड़ा बेनियाज है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। एक दिन वो आपकी मेहनत से खुश होके वो आपको वो सब देता है जो आपने नहीं भी मांगा होगा, वो भी आपको मिलता है। फिर कि मैंने ये तो नहीं चाहा था यार कि ये हो जाए, लेकिन आप अपनी मेहनत कभी मत छोड़ना मेरे दोस्त।